नमस्कार, न्यूज लाइव राजस्थान पर आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर से खास रिपोर्ट। एक छत से कूदते दूसरे घर में घुसा पैंथर, मच गई दहशत, देखिए लाइव वीडियो। मोती डूंगरी रोड स्थित एक मकान में घुसा पैंथर, सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद, ड्रोन से की जा रही है तलाश, एसएमएस स्कूल में होने की है सूचना। जयपुर में बीच एक बार फिर शहर के बीच पैंथर आ गया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया है। जानकारी के अनुसार पैंथर मोती डूंगरी स्थित रवि जैन के मकान में सबसे पहले आया, फिर उसके बाद नारायण निवास में पहुंच गया। यहां पैंथर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। पैंथर को ड्रोन कैमरे से तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पैंथर नजर नहीं आया। वन विभाग ने मौके पर पिंजरे भी मंगवा लिए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पैंथर स्थानीय निवास रवि जैन के घर से होते हुए एसएमएस स्कूल की तरफ चले गया है, जहां भी पैंथर की तलाश की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी ज्योतिषना ने बताया कि पैंथर सबसे पहले उन्हें नजर आया था, जिसे देखकर वह काफी डर गई। पहले उन्होंने पैंथर को जंगली कुत्ता समझा था, लेकिन पास से देखा तो वह घबरा गई और तुरंत गेट बंद कर लिया। जब काफी देर बाद मुझे लगा कि वह चले गया है, तो मैंने ये बात सबको बताई। ड्रोन से कर रहे हैं तलाश। वन विभाग और पुलिस की टीम पैंथर की तलाश में ड्रोन से क्षेत्र की तस्वीरें ले रहे हैं। टीम ने पूरे क्षेत्र में तलाश में पैंथर को तलाश कर लिया है। इसके चलते आसपास के क्षेत्रों में रास्ता भी बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों को उस तरफ से जाने पर रोका जा रहा है। झालाना में 5-6 दिन से है दहशत। इधर पिछले 5-6 दिनों से लगातार झालाना क्षेत्र में एक हाइना नजर आ रहा है, जिसके चलते यहां भी लोगों में दहशत फैली हुई है। यहां स्थानीय लोगों ने बताया कि वन विभाग को इसकी शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है, ना ही यहां विभाग ने कोई जांच पड़ताल की है। Snow Music Studio.